तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विशाल कंप्यूटर टिप्स। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च 2023 से पहले आपको अपने पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी है, जो कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, अगर आपको अभी भी पैन और आधार को लिंक करने में परेशानी हो रही है और आपको अभी भी इसका पूरा प्रोसेस नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस प्रोसेस को प्रॉपरली अच्छी तरीके से जान सकें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। सिस्टम या मोबाइल किसी में भी ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपको ई फिलिंग टाइप कर देना है। ई फिलिंग टाइप करने के बाद आपको जो है पहला ही लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। पहले ही लिंक में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, उस पर आपको यहाँ दिया गया है लिंक आधार, उस पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक आधार में क्लिक करेंगे। लिंक आधार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैन नंबर एंटर कर देना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर एंटर करने बोल रहा है, तो आधार नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे हमको क्लिक कर देना है। वैलिडेट में क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भी पैन नंबर डालना है, उसके बाद कंफर्म पैन नंबर में डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर डाला है उस पर OTP आएगा, आपको OTP को यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, उस पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इनकम टैक्स करके दिया गया होगा, उस पर आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2324 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट 500 में इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का आपको दिखेगा, यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ का ऑटोमेटिक आ जाता है जब भी आप उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको पेमेंट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग या यहाँ पे डेबिट कार्ड, अदर बैंक से भी आप कर सकते हैं, NEFT, RTGS या पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर देता हूं और कोटक सिलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे पे नाउ में मैं क्लिक कर दूंगा, फिर इस पर यहाँ पर हमको आई एग्री में क्लिक कर देना है और सबमिट टू बैंक में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हम इस पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे QR सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भीम UPI सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे QR यहाँ पे हमको शो कर दिया है। अब मैं सिंपली इस पे स्कैन करके पे कर देता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये कुछ समय के लिए लोडिंग लेगा, फिर आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आपको ये रिसिप्ट आपको मिल जाए तो 5 वर्किंग डेज के बाद आप फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, यानी जहाँ पे मैंने गया है आधार लिंक करने का ऑप्शन पे, उस पर क्लिक करके आपको फिर से पैन नंबर और आधार नंबर डालना है और एक OTP और आएगा, उसके बाद आपका लिंक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।